सो आज के इस वीडियो में हाइट कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर चर्चा करते हैं। हाइट हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है यह बात जिनकी लंबाई कम है वे बखूबी जानते हैं। इंसानी शरीर का यही एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाए हैं। हमारे पास हर तरह की दवाई है मगर लंबा करने की कोई दवा आज तक नहीं बन पाई। सच तो यह है कि 18 साल के बाद भी किसी शख्स की हाइट कुछ इंच बढ़ सकती है। छोटे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बातों का ध्यान रखें तो कद बढ़ाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो आइए जान लेते हैं लंबाई बढ़ाने के क्या है तरीके। सबसे पहला तरीका, अश्वगंधा का कमाल। अश्वगंधा एक कमाल की बूटी है। आमतौर पर जो लोग थकान या बॉडी में दर्द महसूस करते हैं उन्हें यह खाने की सलाह दी जाती है। बॉडी बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। मगर अश्वगंधा में एक और खासियत है, इसमें हड्डियों के ढांचे को बड़ा करने वाले और उनकी डेंसिटी बढ़ाने वाले मिनरल होते हैं। जब हड्डियों का साइज बढ़ता है तो कद भी बढ़ता है। अश्वगंधा तो अब पूरी दुनिया में मिल जाता है। भारत में ये टैबलेट, सिरप और पाउडर जैसी फॉर्म में मिलने लगा है। इसे दूध के साथ लेना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चम्मच अश्वगंधा को हल्के गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले आप इसे पी सकते हैं। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अश्वगंधा के साथ खट्टी चीजों और बहुत मसालेदार चीजों का थोड़ा परहेज करें। ऐसे में आप फास्ट फूड से दूर ही रहें। दूध की जितनी तारीफ की जाए कम है। इसमें किसी शख्स के हर तरह के विकास के लिए करीब करीब हर चीज मौजूद है। हमारी हाइट हमारी हड्डियों की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम होता है जो बोन्स की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इससे सेहत भी बनती है। इसमें प्रोटीन और विटामिन ए भी होता है। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिन में 2 से 3 ग्लास दूध पीने की कोशिश जरूर करें। दूध के बने प्रोडक्ट्स भी उतना ही फायदा पहुंचाते हैं जैसे दही, चीज, क्रीम व योगर्ट वगैरह। योगा आसन, ऐसे कई आसन हैं जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस से हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्राणायाम भी आप करें। प्राणायाम से रीढ़ की मसल्स रिलैक्स होती हैं। इससे ग्रोथ में मदद मिलती है। आसनों में आप सूर्य नमस्कार के अलावा ताड़ा आसन, भुजंग आसन, चक्र आसन, उद्रमस्थ हस्तोनातासन और सर्वगासन का अभ्यास करें। आसनों के कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बॉडी को थोड़ा गर्म करने के बाद पहले सूर्य नमस्कार करें। इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। इसके बाद आसनों का अभ्यास करें। कोशिश करें हर आसन में 3 मिनट तक रहने की। दोस्तों, हमने ऊपर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH की बात की थी जो किसी भी शख्स के शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। खेल कूद और कसरत से HGH बहुत तेजी से रिलीज होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता। पार्क जाएं और खेल कूद में शामिल हों। इससे आपकी लंबाई बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आप ऐसे खेलों में शामिल हो जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा जंप करना हो, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। और हाँ, रस्सा कूद भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें आपको लगातार जंप करनी होती है। हो सके तो रोज 20 से 30 मिनट रस्सा कूदें। स्ट्रेचिंग भी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। वैसे तो अगर सूर्य नमस्कार वे अन्य आसन कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा स्ट्रेच कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा लटकना भी आपको चाहिए। इससे दिमाग को मैसेज जाता है कि आप खुद को खींचना या बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।